पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने टिकराड़ा स्थित महावीर गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि महावीर गोपाल गौशाला के अध्यक्ष शोभा कमल खांजर ने बताया कि पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक तेजपाल सिंह ने टिकराड़ा स्थित महावीर गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गौशाला में गायों का अवलोकन किया गया। पेयजल व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए स्थिति देखी गई। इसके साथ ही घास घर, गायों को खिलाने वाले पशु आहार चारे की कुड़िया, गाय को खिलाने वाले गन्ने की कुट्टी, अफगानिस्तान का सीधा नमक, प्रोटीन युक्त नमक, कपासिया खिलाने की व्यवस्था देखी गई। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन एवं गायों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। उसका ये उद्देश्य रहा कि अखबार में न्यूज आई थी कि चिकारड़ा गौशाला में इतने जानवर मर रहे हैं और उनके जानवरों को वहीं फेंका जा रहा है। तो इसमें आपको, आपने जो भ्रमण किया, आपने जो देखा, वो आपको क्या लगा? मुझे यहाँ पर लगा कि वास्तव में वो ये नहीं है, जानवर यहाँ के नहीं है, ये जानवर पूरे गांव के हो सकते हैं, यहाँ के नहीं हो सकते हैं। और उनमें कंकाल पड़े हुए थे जो कि बहुत पुराने हैं। आप इस गौशाला के लिए क्या दिशा निर्देश दिए आपने? मैंने गौशाला के लिए निर्देश दिए, इन्होंने कहा था कि हमारे FMD फैल रही है, तो FMD का टीकाकरण यहाँ पर लगातार करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ है ना, जो जानवर इनके बचे हुए थे टैगिंग से, उनकी टैगिंग भी की जा रही है। धन्यवाद सर। और मैं इनको हिदायत देता हूँ कि सर्दी के मौसम में इनको शेल्टर के अंदर रखें और वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का इंतजाम रखें, जिससे कि जानवर ठंड की चपेट में नहीं आए।